पुष्पा रजक ने अपने ननद सावित्री रजक और उसके पति टीकम रजक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता ने जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। महिला ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। महिला ने आरोप लगाया है कि ननद और उसके पति ने महिला के घर पर कब्जा कर लिया है। पुष्पा रजक ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने ससुर डोमारी रजक, भांजा ब्रजलाल रजक और रिंकी रजक के साथ प्यारी एक में रहती थी। पति की मृत्यु हो चुकी है 24 दिसंबर 2019 में। ननद सावित्री रजक जमीनी विवाद में दबाव डालकर उससे रिपोर्ट दर्ज कराकर भांजा ब्रजलाल रजक और रिंकी रजक को जेल भिजवा दिया और उसके घर में रहने लगी। एक माह बाद सावित्री उसे प्रताड़ित करने लगी, जिसके जान बचाकर काम के बहाने रायपुर चली गई। 3 दिसंबर 2020 को घर वापस आ गई तो घर का ताला बंद था। ससुर की मृत्यु हो गई थी, घर छोड़कर गई थी तो घर में 25 लाख का सामान था। यह सामान भांजे ब्रजलाल की शादी का था। सामान को सावित्री रजक और उसके पति ने हड़प लिया है। सामान मांगने पर ब्रजलाल को जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिला पुष्पा रजक ने बताया कि 3 जनवरी 2023 को रात 7:30 बजे पुलिस वालों के साथ लेकर आए और दरवाजा खुलवा रहे थे। पीड़िता ने बताया कि उसने डर की वजह से दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस वाले चले गए। उनके जाने के बाद छत के रास्ते से आकर ताला तोड़ दिया। ननद सावित्री रजक डंडा रखी थी और अपने पति से बंदूक से जान से मारने की बात कह रही थी। पीड़िता ने बताया कि वह अपने घर के किचन में सोई थी, सुबह थाना अनूपपुर आ रही थी। इसी दौरान दोनों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और लगभग 6,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद घर से निकाल दिया। पीड़िता का कहना है कि उसके पास बस का किराया तक नहीं था, इसलिए 4 बजे अनूपपुर आई, भांजे ब्रजलाल के घर जा रही थी। इसी दौरान तबीयत खराब होने से अमरकंटक तिराहा के पास बेहोश हो गई। राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल अनूपपुर में भर्ती कराया गया और वह अभी तक अस्पताल में ही है, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत महिला थाने अनूपपुर में की है। मेरी ननद सावित्री रजक और मेरे पति टीकम रजक रात में घुस के छत से कूद के ताला उला सब तोड़ दिए, मेरे को मार पीट किए और क्या कहते हैं, जितना मेरा सामान रहा सबको लूट लिए और मेरे को घर से निकाल दिए।